करप्ट पुलिस हमारे माथे का झूमर, बड़े अफसोस की बात। उनको यह भी कह देना चाहिए था कि आईजी साढ़े नाक का कोका है और सीसीपीओ हमारे कानों के झूमर है और एसपी हमारे पांव के घुंघरू है, और फिर नाचे दोनों मिलके करप्शन का नंगा नाच। सर अभी तो इनकी शुरू हुई है, अभी आप देखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। 865 अरब की ये किताब, जिसमें 617 अरब वोटेड और 247 अरब चार्ज। और करप्शन की हर सफे पे दास्तान है इसकी। सर सप्लीमेंट्री बजट क्यों आता है? सप्लीमेंट्री बजट इसलिए आता है कि इसको जो ओरिजिनल बजट बनाने वाले होते हैं वो नालायक होते हैं, इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी एस्टिमेशन सही नहीं लगा सकते। 110 अरब रुपए कम्युनिकेशन के लिए, 10 अरब रोड और ब्रिजेस के लिए, 101 अरब निगरान हुकूमत। ये वही निगरान हुकूमत है जो आके कहती थी हमारे पास इलेक्शन के लिए 50 अरब रुपए नहीं है, जो अपना एफिडेविट जमा कराती थी जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में कि हमारे पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। क्या ब्रिजेस बनाना निगरान हुकूमत का काम है? क्या रोड्स बनाना निगरान हुकूमत का काम है? जिसका काम जो होता है उसको करना चाहिए। अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया जो इनका काम था तो इनको अकाउंटेबल कौन करेगा? सर हर सफे पे लिखा है एम्प्लाइज की तनख्वाह, हर एक को पता होती है, उसकी एस्टिमेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर सफे पे लिखा है लोन्स एंड ग्रांट्स, एम्प्लाइज रिलेटेड एक्सपेंसेस, एम्प्लाइज रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 80% बच्चे सही खुराक होने की वजह से उनका दिमाग नहीं डेवलप करता। जब उनका दिमाग डेवलप नहीं करता तो फिर इस जैसे लोग पैदा होते हैं, उनका दिमाग डेवलप नहीं करता। लेकिन एक सीएम हाउस का चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल 1,60,00,000 की फॉर्चूनर खरीदता है। ऐसा मुल्क जिसमें लाइनों में लग के खवातीन अपनी जानें देती हैं एक आटे के थैले के लिए, वहां पे गवर्नर 5,00,00,000 की गाड़ी खरीदता है। सर मिस्टर स्पीकर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मां बच्चे का तकलीफ में देखते हुए उसका गला खुद घोंट देती है, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर पे 12,00,00,000 रुपए की सिक्योरिटी का खर्च होता है, वो भी उसके दफ्तर का नहीं, उसके सब ऑफिस का। सर मेरा एक ये सूच दो, ये जो 615-617 अरब रुपए है इसका, ठीक है सर दे, सबको दे। यहां पे कहते हैं कि हम तैयारी करके नहीं आते, ये कहते हैं हम तैयारी करके नहीं आते, खुद तो इनकी तकरीर तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, और हमें कहते हैं तकरीर नहीं करते। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं पूरे ट्रेजरी बेंच को कि अभी मेरे दोस्तों ने कहा दो हेड्स जिनमें एक 208 अरब रुपया और दूसरे में 225 अरब रुपया, हर ग्रांट के आगे तफसील लिखी हुई है कि ये इसके लिए दिया गया, ये गाड़ी खरीदने के लिए दिया गया, ये प्लान। ये जो 432 अरब रुपया है जो मेरे अपोजिशन लीडर ऑनरेबल ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि ये दो ग्रांट जिसमें 70% इस किताब का हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया शेख सर। सर आखिरी मिनट, मेरा इनसे चैलेंज है, ये तैयारी करके आते हैं, ये दोनों सफों का हिसाब यहाँ पे आज हमें बताएं,
अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर ये इनको यस कहने का हक जी, नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है जी। मोहतरम जनाब सलमान शाहिद साहब, आपके ही कोलीग्स ने बात करनी है, आप ही की तरफ से बात करनी है। आखिरी बात कर लेते ना, और अगर आप ये नहीं बता सकते तो ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, हम ये बजट और इसके ये दो ग्रांट मंजूर नहीं होने देंगे क्योंकि ये किसी के पास का पैसा नहीं है, ये इस आवाम का पैसा है। जी मोहतरम जनाब सलमान शाहिद साहब, सलमान शाहिद साहब तशरीफ रखते हैं जी, सलमान शाहिद साहब जी। मोहतरम जनाब जुल्फकार भट्टी साहब, जुल्फकार भट्टी साहब चलें। दावा देता हूं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि वो अपनी तकरीर करें। जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वाइंड अप स्पीच कल सुबह पे ले जाएं, क्योंकि ये फिगर्स वगैरह सारी जो हैं मैं सुबह जो पहले आप स्टार्ट लेंगे तो उस वक्त हम वाइंड अप स्पीच अपनी दे देंगे। तैयारी तो हमारी है जी, मगर मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अभी स्पीचेज इन्होंने यहाँ पे ख़त्म की हैं तो उसके मुताबिक जैसे ख़त्म हुई हैं, और ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा जी, अक्सर होता ये है कि वाइंड अप स्पीच अगले डे पे चली जाती है। तो रिवायात अगर आप देख लें बेशक असेंबली की उठा के, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मगर अगर आप कहेंगे तो जी, ठीक है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ठीक है जी। किसी ऑनरेबल मेंबर का सेल फोन रह गया है, सेल फोन रह गया किसी ऑनरेबल मेंबर का, ये प्लीज काइंडली जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन कर, ये ऑनरेबल मिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बेशक कल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात एडमिट कर लें कि जो हमने पॉइंट आउट किए, इतनी हौसला अफजाई, इतना एडमिट तो इनको करना चाहिए कि हमने आज इनकी रहनुमाई की है, और इसीलिए नहीं तो ये पहली दफा इनकी नहीं है, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, हम हमारी तीसरी असेंबली इकट्ठी है, ये सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन इधर से मेरे मेंबर्स की, मेरी टीम की पूरी तैयारी थी जिस पे ये अगले दिन मजबूर हुए, लेकिन ये रिवायत है, ये होता रहता है, ये अगले दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सुबह ये अपनी पहले स्पीच वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन सर इस बात को एडमिट होना चाहिए कि हमने पूरी तरह निशानदेही की है, और उस निशानदेही में हमको ये नहीं कह रहे कि हम कोई अरस्तू बन गए, ये कोई डिवेट, पहले ये पढ़ता नहीं कोई नहीं था, ये इतनी बड़ी बुक्स आती थी और इसी तरह आगे चली जाती थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब कल करने से जी, जनाब स्पीकर मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने 7 महीने का पीटीआई का जो सप्लीमेंट्री बजट था उस पर बात की इन्होंने, ये जो 2022-2023 में 7 माह इसमें परवेज लाई साहब की हुकूमत थी ये तक नहीं इन्होंने देखा। हमजा शहबाज शरीफ का यहाँ जिक्र किया गया, उनकी सिर्फ 22 दिन हुकूमत थी इस सारे बजट में और उसमें कोई सप्लीमेंट्री खर्च नहीं हुआ, और बाकी कोई तकरीबन 5 माह का इसमें केयर टेकर सेटअप का सप्लीमेंट्री बजट है। कल सुबह मैं इनको फिगर्स बताऊंगा, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाकी तो चलो हमारे मौजूद मेंबरान पहली दफा इस ऐवान में आए हैं, उनको बजट बुक्स नहीं देखनी आती थी, मगर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब को भी बजट बुक देखनी नहीं आती। सुबह मैं इसका जवाब दूंगा इनको, ये बार बार जो 208 और इसका जिक्र किया गया है, ये इनको अकाउंट सुबह मैं बताऊंगा, इसकी सारी डिटेल होती है उसी बुक में। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट ऑन सैटरडे 30th मार्च 2024 एट 10 AM।